नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर महाप्राण निराला की एक सुप्रसिद्ध रचना, उनकी कविता संध्या सुंदरी, इस पर चर्चा करेंगे। ये कविता आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और साहित्य जगत में इस कविता की बहुत प्रसिद्धि भी हुई है, इस कविता को गाया गया है, तो आज हम इस कविता की बात करेंगे। और संध्या सुंदरी प्राकृतिक उपादान को लेकर के, प्रकृति को लेकर के लिखी गई एक प्रतीकात्मक कविता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता ही रही है कि वहां प्राकृतिक उपादानों को लेकर के प्रकृति का आलंबन रूप में, एक स्वतंत्र रूप में चित्रण करना। और ये जो प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण है, वह निराला ने भी किया, प्रसाद ने भी किया। अपनी रचनाओं के नाम ही वो तो प्रकृति से रखते रहे, लहर उन्होंने लिखा। चित्राधार की बात करते हैं तो उनकी झरना, सारे प्रकृति के उपादानों के नाम पर ही उन्होंने कविताएं लिखी, कविता रसंग्रह के नाम रखे। परंतु निराला ने भी प्रकृति को आधार बनाकर की जूही की कली की रचना की, संध्या सुंदरी की रचना की और अन्य सखी वसंत आया, तो प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई। पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि ही माने जाते हैं। और इनका प्रसिद्ध एक काव्य संग्रह रहा परिमल, उसमें ये कविता संकलित है। और ये परिमल 1923 में प्रकाशित हुआ था और इस काव्य संग्रह में अनेक प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं का संग्रह है। और इसी में ही संध्या सुंदरी कविता भी प्रकाशित हुई थी, संकलित हुई थी। अब हम इस कविता की बात करें तो वर्णन है संध्या समय का। संध्या समय जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात का अभी प्रारंभ होना, रात अभी प्रारंभ नहीं हुई, तो दिन और रात के जो बीच का समय है वो संध्या समय कहलाता है। दिवस अवसान का समय कहलाता है, दिन की समाप्ति का समय है। तो कविता का प्रारंभ भी होती है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवस का अवसान होने, अवसान मतलब समाप्ति, दिवस समाप्त हो रहा है, सूर्यास्त का समय हो गया है। आसमान कैसा है? मेघमय, बादलों से ढका हुआ है। तो मेघमय आसमान से, मेघमय आकाश से संध्या सुंदरी किस रूप में नीचे उतर रही है? परी के जैसी। कैसे? धीरे धीरे धीरे। कि जो संध्या सुंदरी है, संध्या का मानवीकरण किया गया, उसे एक सुंदरी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक नव यौवना के रूप में चित्रित करते हैं। और वे संध्या सुंदरी कैसे आ रही है? परी की जैसे। पूरी उपमा एक बांध रहे हैं। अनुप्रासिक सौंदर्य भी है, एक लयात्मकता भी है और साथ ही साथ उसमें एक मुक्त छंद वाली जो एक आंतरिक अनुविति होती है वह भी दिखाई देती है। और संध्या उतर रही है, कैसे उतर रही है? संध्या ढल रही है, वो किस तरह से आ रही है? धीरे धीरे धीरे। अचानक से आपने शाम का समय, संध्या का समय देखा होगा, एकदम रात नहीं हो जाती। प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। कोई शोर नहीं है उस समय, निस्तब्धता की स्थिति है। और कोई संध्या भी आ रही है तो कैसे आ रही है? एक तो परी के जैसे आ रही है और किस तरह से आ रही है? धीरे धीरे धीरे, बड़ी शांत भाव से धीरे धीरे चलती हुई आ रही है। ये कविता में एक लय है, एक उसकी अनविति बन रही है। आगे भी कहते हैं तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु गंभीर, नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक,
गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो तिमिरांचल, तिमिर होता है अंधकार, अंधेरा। तो वो जो अंधेरा है वो संध्या सुंदरी का आंचल है, क्योंकि एक सुंदरी के रूप में, स्त्री के रूप में उसका चित्रण है। तो पूरे उसका जब मानवीकरण कर रहे हैं तो उसने जो वस्त्र धारण किया हुआ है, उसने जो साड़ी पहनी हुई है, उसका जो आंचल है वो आंचल किसका है? अंधकार का आंचल है। तो अंधकार के उस आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, कहीं भी कोई चंचलता नहीं दिख रही है। चारों ओर कैसा वातावरण है? शांत वातावरण है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अधर होता है ओठ। अब संध्या सुंदरी के ओठ क्या हुए? धरती और आकाश, ये उसके ओठ है, अधर है। और ये ओठ कैसे है? मधुर है, उनमें माधुर्य है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। एक तरफ जहां माधुर्य की बात कर रहे हैं, वहीं लग ये भाव जागृत हो सकता था कि उसमें कहीं विलासिता का भाव तो नहीं है, कहीं काम भाव की बात तो नहीं कर रहे। वहीं अगली पंक्ति में वो उसको स्पष्ट कर देते हैं कि दोनों होठ धरती और आकाश मधुर है, पर कैसे हैं? गंभीर है, उनमें गंभीरता है, नहीं है उनमें हास विलास, उसमें कोई हंसी कोई विलासिता नहीं है, अभी तो एक गंभीरता है। संध्या काल में, सायं में, एक वातावरण में एक मधुरता भी होती है, गंभीरता भी होती है। तो चारों ओर के जो पूरा एक परिवेश है उसका एक बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। संध्या का एक बिंब, सजीव बिंब, इंद्रिय बिंब हमारे सामने निराला लेकर के आते हैं कि कहीं तिमिर आंचल में, अंधेरे रूपी उसके आंचल में कोई चंचलता नहीं है, कोई उसका आभास नहीं हो रहा। और उसके धरती और आकाश रूपी जो दोनों अधर हैं वे कोमल है, मधुर है, उनमें माधुर्य है, पर गंभीर है, उनमें कोई हंसी हास्य विलास, कोई विलासिता का स्वर नहीं है, कहीं कामुकता नहीं है। तब क्या दिखाई देता है? हंसता है तो केवल तारा एक, आकाश में केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई देता है। तारे का भी मानवीकरण, पूरी प्रकृति का मानवीकरण है। हंसना मतलब चमकता, आकाश में जैसे संध्या होती है, एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में शुक्र तारा निकलता है, वीनस, तो वो हंसता हुआ चमकता हुआ एक तारा दिखाई देता है। तो उस चमकते हुए तारे को देख करके निराला ये कल्पना करते हैं कि वे जो संध्या सुंदरी जो आ रही है, जिसका आंचल किसका है? तिमिर, अंधकार का आंचल है, और उसके बालों में वह तारा जो है उसके घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ है। घुंघराले काले बाल, मेघमय आसमान की बात की पहले ही पंक्ति में कि मेघमय आसमान से उतर रही है धीरे धीरे। तो वो जो मेघमय आसमान है वो उस संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बाल है। और ये जो तारा आकाश में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वह तारा उसके संध्या सुंदरी के उन घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ है। और वे तारा क्या कर रहा है? हृदय राज्य की रानी का करता है अभिषेक। वह संध्या उस तारे की हृदय राज्य की रानी है, उसके हृदय राज्य में प्रवेश किए हुए हृदय रूपी राज्य, रूपा क्या पूरा हृदय रूपी राज्य की रानी का वे अपने हंसी से, अपनी चमक से अभिषेक कर रहा है। अभिषेक मतलब उस संध्या का स्वागत कर रहा है, उसका अभिनंदन कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा है। तो जो आकाश में एक तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वे उस संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ है और अपनी हृदय रूपी राज्य की रानी का
उस संध्या सुंदरी का अभिनंदन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। आगे भी कहते हैं, अब वो जो संध्या आती है तो आप देखेंगे, जब दिन भर हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर जैसे जैसे शाम होने लगती है तो हमारे अंदर एक अलसता, आलस्य का भाव, एक थकान का भाव जागृत होने लगता है। तो वो जो संध्या सुंदरी आ रही है वो किस रूप में आ रही है? आलस्य की लता के रूप में। लता कोमल होती है, लता एकदम पतली दुबली कोमलता को लिए हुए होती है, सुंदर होती है। तो अलसता की सी लता, एक उपमा दे रहे हैं कि वे संध्या सुंदरी अलसता की लता के समान आ रही है, किंतु कोमलता की वह कली, कली है अभी, और कैसी कली है? कोमल कली है। उसका संध्या का जो समय है, वो जो परिवेश है, उसमें कहीं भी भयावनापन, डरावनापन नहीं है, कहीं भी उसको देख करके भय की प्रतीति नहीं होती। इसलिए उसे क्या कहा? वो कोमल कली के समान है, कोमलता की वे कली है। और कैसे आ रही है? वो अकेले नहीं आ रही है, संध्या सुंदरी अकेले नहीं आती है, अपनी सखी के साथ आती है। अब उसकी सखी कौन है? उसकी सखी है नीरवता, निस्तब्धता, चुप्पी। नीरवता जहां कोई शोर नहीं है, नीरव, रव रहित, शब्द रहित, निस्तब्धता का भाव। तो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। देखिए, पूरा एक बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा है कि वे जो संध्या सुंदरी कैसी है? कली के समान कोमल है। और क्योंकि कली के समान कोमल है, उसको आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। तो वो किसके सहारे आ रही है? नीरवता के सहारे, उसके कंधे पर अपनी बाह रखे हुए। तो वो नीरवता कौन है? उसकी सखी है। तो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर अपनी बाह को रखे हुए आ रही है। कहाँ से आ रही है? अंबर पथ से, आकाश के मार्ग से। कैसे आ रही है? छांसी, छाया के समान। जैसे हम देखते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब है, छाया है, उसमें छाया में नीचे अंधकार होता है, तो वो आकाश से आ रही है छाया के समान। क्योंकि उसका आंचल कौन सा है? तिमिरांचल है, अंधकार का आंचल है। तो वो छाया सी आकाश के पथ से चली हुई आ रही है। अब जब ये संध्या जो है आकाश से चली आ रही है, धीमे धीमे चल करके आ रही है, और अपने साथ क्या लेकर के आ रही है? नीरवता को, शून्यपन को लेकर के आ रही है। और उस संध्या सुंदरी के आने से पूरी प्रकृति पर, पूरे जड़ चेतन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन निराला फिर अगली पंक्तियों में करते हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। अब यहां जब आ रही है, निराला की एक खास विशेषता है मित्रों, जो मैं अभी इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे ध्यान आ रही है, निराला क्या करते हैं? संगीत को कविता के साथ जोड़ते हैं और कविता को संगीत के साथ जोड़ते हैं। जब आप उनकी कविता पढ़ें तो उसमें एक संगीतात्मकता, एक लय, एक आंतरिक अनुमिति दिखाई देती है। तो इनकी कविता को संगीतकारों ने राग में बद करके गाया। निराला को स्वयं संगीत का बड़ा गहराई से ज्ञान था। वे स्वयं बड़ी मधुर आवाज में गाया करते थे। मंच पर जाकर के जब वे अपनी कविता पाठ करते थे, कविता का सस्वर गायन किया करते थे, तो उस समय जो पूरा एक वातावरण था वो हतप्रभ रह जाता था, आश्चर्यचकित, उनको सुनता ही रह जाता था,
उनको मन मुग्ध हो जाता था। तो अब इन पंक्तियों में भी देखिए, वो संध्या का वर्णन कर रहे हैं, पर इतना संगीतात्मक, इतना सजीव, एक बिंब के रूप में प्राकृतिक उपादानों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब वो संध्या आ रही है तो उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही, कि कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई संगीत नहीं हो रहा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। कोई अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम का राग, प्रेम के राग का आलाप, उसका स्वर, उसका संगीत। तो शाम के संध्या के समय में कोई प्रेम के राग का आलाप सुनाई नहीं देता। नूपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, कि जो संध्या सुंदरी आ रही है उसने जो नूपुर पैरों में पहने हुए हैं या पायल पहनी हुई है, उसकी भी आवाज़, उसका भी स्वर नहीं सुनाई देता। इतनी शांति से, इतनी स्तब्धता, निस्तब्धता से वे आ रही है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, अव्यक्त जो सुनाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। तो ऐसा एक शब्द चारों ओर गूंजता हुआ सा समझ आता है, गूंजता हुआ प्रतीत होता है, और वे शब्द क्या है, चुप चुप चुप, कि बस चारों तरफ मौन का, चुप्पी का वातावरण है, गूंज रहा सब कहीं, सब ओर, सभी तरफ वही चुप्पी का स्वर गूंज रहा है। कहाँ कहाँ गूंज रहा है, अब उसकी बात करते हैं निराला, कि पूरे आकाश से लेकर धरती तक, समुद्र में, नदियों में, पहाड़ों में, प्रकृति के एक एक कण में वह चुप्पी का स्वर वह गूंज रहा है। व्योम मंडल में, व्योम होता है आकाश, आकाश मंडल में वे स्वर गूंज रहा है। जगती तल, इस धरती पर, पृथ्वी तल पर, आकाश में, धरती तल पर ये चुप 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 का स्वर गूंज रहा है। और कहाँ गूंज रहा है, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। अब दिन में कमलों के ऊपर भंवरे मंडराते हैं तो भंवरों की गुंजार सुनाई देती है, पर जैसे ही संध्या आती है भंवरे नहीं रहते वहां पर, उनका गुंजार नहीं होता, सरोवर भी शांत है, और उनमें जो कमलिनी दल थे जिन पर अब भंवरे नहीं है, वो कमलिनी दल कैसे अमल, निर्मल, एकदम स्वच्छ, जिसमें कोई मलिनता नहीं है। तो उस शांत सरोवर पर वह निर्मल कमलिनी का दल, कमलिनियों का समूह जो है, वे भी शांत सो जाता है। आप देखेंगे दिन भर में सरोवर में एक हलचल रहती है, आसपास जीव जंतु भी होते हैं, फूलों के ऊपर भंवरे भी मंडराते हैं, आसपास वृक्षों पर पक्षी भी रहते हैं, पर शाम जैसे ही संध्या होती है सब शांत हो जाता है। तो सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। अब और कहां कहां क्या परिवर्तित हो, परिवर्तन हो रहा है, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। अब देखिए, लय बनाने के लिए निराला संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत के शब्दों का हिंदी में प्रयोग, और वे भी एक लयात्मक प्रयोग, ये कवि की अपनी एक विशेषता है, उनकी एक मौलिकता है। पर ये संस्कृत निष्ठता क्लिष्टता नहीं प्रदान कर रही, उसको दुरू नहीं बना रही, वह भाषा को एक सरसता, एक लयात्मकता प्रदान कर रही है। तो अब नदी को क्या कहा, सौंदर्य गर्विता। नदी का भी मानवीकरण हो रहा है कि वो अपने सौंदर्य के गर्व से युक्त है, तो उसको सौंदर्य गर्विता नायिका के रूप में चित्रित कर रहे हैं, कि सौंदर्य गर्विता सरिता नदी के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, कि जो सरिता का, सौंदर्य से युक्त सौंदर्य गर्विता नदी का जो विस्तृत वक्षस्थल है, जो फैले हुआ उसकी चौड़ी छाती है, नदी का जो सतह है, उस पर भी शांति चुप्पी का वातावरण है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। तो और कहां पर उसका प्रभाव हुआ संध्या सुंदरी का, हिमगिरी हिमालय की, अटल अचल, अटल ना टलने वाली, अचल स्थिर,
ऐसे गंभीर शिखरों पर, उनकी चोटियों पर। वो चोटियां कैसी हैं? धीर वीर गंभीर। हिमालय की चोटियों के विशेषण दिए कि वो धीर हैं, वीरता से युक्त हैं, गंभीर हैं। तो और कैसी हैं? अटल हैं, अचल हैं। अटल अचल हिमालय की धीर वीर गंभीर चोटियों पर भी वह चुप्पी का स्वर चारों ओर अभिव्यक्त हो रहा है। और कहां उसका प्रभाव पड़ रहा है? उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जलधि समुद्र में। वह समुद्र जो दिन में कैसा था, उसकी तरंगे कैसी थी? उत्ताल, ऊपर की ओर उठी हुई, ऊंची ऊंची उठने वाली तरंगों का जो आघात था, तरंगों का, लहरों का जो वेग था, वो कैसा था? प्रलयंकारी, प्रलय मचाने वाला। और उनकी आवाज कैसी होती है? आपने समुद्र में देखा, समुद्र के किनारे आप गए हो और वहां पर उनको ऊंची उठती हुई लहरों का जब शोर सुने तो वह ऐसे लगती है प्रलयकारी है, और घन गर्जन बादलों की गर्जना के समान है। प्रबल जो लहरें थी समुद्र की, वे लहरें जो ऊंची ऊंची उठ रही थी, उनका जो घात था, उनका जो वेग था, जो प्रलयंकारी था, जो बादलों के समान गर्जन करने वाला था, तो ऐसी प्रबल समुद्र की लहरें भी अब कैसी हो गई हैं? शांत हो गई हैं। वहां का वातावरण भी कैसा हो गया? चुप हो गया, चुप्पी आ गई है वहां पर। तो क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। क्षिति पृथ्वी, पृथ्वी जल, नभ मतलब आकाश, अनिल हवा, अनल आग, पंच तत्व। पूरा ब्रह्मांड ही इन पंच तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये पूरे जो पंच तत्व से निर्मित ये जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें एक अव्यक्त शब्द चुप 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 सब कहीं चारों ओर यही गूंज रहा है, और क्या है? कुछ नहीं, कि सिर्फ यही स्वर चारों ओर सुनाई दे रहा है। अब यहां तक संध्या का, सुंदरी का वर्णन एक युवा स्त्री के रूप में, एक सुंदरी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने साथ नीरवता को लेकर आती है, अपने साथ चुप्पी को लेकर के आई है। अब वो कैसे आ रही है? मदिरा की वह नदी बहाती आती, कि मदिरा की नदी बहाती हुई अपने साथ लेकर के आ रही है। थके हुए जीव, दिन भर कार्य करने से, दिन भर परिश्रम करने से जो जीव थक चुके हैं, उन थके हुए जीवों को सस ने प्रेम के साथ एक प्याला वह पिलाती है। किसका प्याला पिलाती है? मदिरा, मदिरा मतलब नशा, कि उनकी थकान दूर हो जाए, उनकी जो श्रम की थकान थी वे मिट जाए, उन्हें एक विश्रांति प्राप्त हो, तो प्रेम पूर्वक एक प्याला पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक होता है गोद, अपनी गोदी में उन्हें बड़े प्रेम से स्नेह से सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के कितने मीठे सपने। और विस्मृतियों के वे यादें जो हमारी एक अचेतन मन में बैठी हुई थी, वो सपनों, मीठे सपनों के रूप में पुनः जागृत कर देती है, पुनः दिखा देती है। कि जब हम नींद में होते हैं तो अनेक स्मृतियां जो हमारे मानस पटल पर अंकित होती हैं, वो सपनों के रूप में सपने के रूप में सामने आ जाती हैं। तो वो संध्या जो है अब किस में बदल गई है? रात्रि में बदल गई है। अब यहां संध्या ममतामयी माँ के रूप में चित्रित है, यहां उसका, क्योंकि वो सस ने प्रेम से अपने बच्चों को अपनी गोदी में सुलाती है और उन्हें मीठे नींद के सपने दिखाते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है वे लीन, और यही संध्या फिर आधी रात के बाद वो उस अर्धरात्रि में ही उसकी निश्चलता, उसकी शांति में, विश्रांति में ही कहीं विलीन हो जाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और आधी रात का मतलब रात्रि का जब तीसरा पहर समाप्ति हो गया तो प्रभात होने वाली है, उषा काल अभी आया नहीं है, तो ये जो संध्या है ये कहीं विलीन हो जाती है। और उस समय कवियों के हृदय के भीतर
प्रेम अनुराग बढ़ जाता है और उनके जो विरह व्याकुल हृदय है, उनका जो सुंदर कंठ है, उसमें से अपने आप एक विहाग, एक राग निकल पड़ता कि उस समय विरही जो मन है उनसे विरह के गीत निकल पड़ते हैं और जो कवि मन है वह कवि भी उस समय उनके भीतर जो छुपी हुई भावनाएं थी, कल्पनाएं थी, वो विहाग एक गीत के रूप में, एक राग के रूप में निकल पड़ती हैं। तो इस तरह से रात्रि संध्या का मानवीकरण करते हुए, उसका एक पूरा सजीव रूपक, एक बिंब प्रस्तुत करते हुए निराला ने इस कविता की रचना की। इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें संध्या का रूपकात्मक चित्रण हुआ है। छायावाद की पृष्ठभूमि में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। सांध्यकालीन वातावरण का सूक्ष्म रेखाओं और संकेतों से चित्रण है। सुंदर सजीव प्राकृतिक बिंबों का विधान किया गया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। यद्यपि द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में भी रहा, पर वह इस तरह से सजीव, इस तरह से बिंब रूप में नहीं मिलता, जो निराला की विशेषता है। तो और शब्द विधान देखिए, संस्कृत निष्ठता है तो अनुपम शब्द विधान है। भाषा तो खड़ी बोली है ही, तत्सम शब्दों का अकृत्रिम प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा अनुप्रास आदि अलंकारों का कवि ने बड़ा ही कलात्मक प्रयोग किया है। मुक्त छंद की कविता है, गेय शैली है, पूरी कविता में एक संगीतात्मकता का स्वर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आज हमने संध्या सुंदरी, निराला की जो एक सुप्रसिद्ध प्रकृति सौंदर्य परक कविता है, उसकी समीक्षा की। धन्यवाद।